गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6। वी आर स्टडिंग नाउ अबाउट ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ द स्काई एट नाइट। ये जो चित्र आप देख रहे हैं वो रात की चित्र है, जहाँ पे स्टार्स देख रहे हैं आप। As we live in a city, the chances are that we might never have seen such a star spangled night sky। जो कि हम सिटी एरिया में रहते हैं, हम इतनी खुली आसमान में तारे को देख नहीं पाते हैं। But this is what the sky actually look like on a clear cloudless night away from the light of the city। अपने सिटी से अगर गांव एरिया में जाते हैं या कहीं और खुले में जाते हैं, तो वहां पे आप क्लियरली स्टार को देख पाते हैं। द बॉडीज वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडी। जो चीज हम स्काई में देखते हैं रात को, उसको हेवनली बॉडीज कहा जाता है या उसको सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। द हेवनली बॉडीज इंक्लूड द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मेट्रोइड्स। हेवनली बॉडी के अंदर क्या क्या आते हैं? द स्टार, प्लैनेट्स जैसे कि अर्थ है, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेट्रोइड्स। एस्ट्रॉइड मतलब होता है छोटे तारे, कॉमेट्स मतलब होते हैं जो टूटता हुआ तारा होता है जो हम अक्सर देखते हैं विश्व, एंड मेट्रोइड्स मतलब होता है उल्का, बोलते हैं इसको हिंदी में। आवर अर्थ इज ऑल्सो हेवनली बॉडी। The word universe stands for everything that exists in the space। The word universe मतलब जो अर्थ का दूसरा नाम है यूनिवर्स, वहाँ पे सारी चीज जो रहती है, जैसे कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वो सारी चीज इसमें एग्जिस्ट होती है, यानी कि यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे रहता है। Nobody knows exactly how the universe was formed। किसी को exactly पता नहीं है कि कैसे यूनिवर्स का फॉर्मुलेशन हुआ है, कैसे ये बना है। It is probably originated about 2000 crores years ago due to the Big Bang। माना जाता है कि इसकी 2000 करोड़ साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी, बड़ा ही वोल्केनिक इरप्शन से, जिसमें बिग बैंग होता है। It is difficult to understand the vastness of the universe। इसकी बारीकी को समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही वास्ट है, यानी कि अनगिनती या countless we can tell that। The universe has countless number of galaxies। हमारे यूनिवर्स में अनगिनतियाँ गैलेक्सी हैं। Our sun and all the stars that we see in the night sky belong to the galaxy। हमारे जो सन है, यानी कि सूर्य, और जो सारे स्टार्स जो हम रात को देखते हैं, वो क्या है? Belong to a galaxy। वो गैलेक्सी है। It is called the Milky Way galaxy। जो कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टार, उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। और उसको, और द आकाश गंगा इन इंडिया, और उसको क्या बोलते हैं हमारे इंडिया में? आकाश गंगा। इट अपीयर्स एज अ बैंड ऑफ गैस, डस्ट एंड स्टार्स आर्चिंग अक्रॉस द नाइट स्काई। इट अपीयर्स एज अ बैंड ऑफ गैस मतलब होता है कि गैस के फॉर्म में, डस्ट मतलब धूल के फॉर्म में, स्टार आर्चिंग द नाइट रात में दिखती है। लेट समर इज अ गुड टाइम टू लुक एट आवर ओन गैलेक्सी, इट इज ओनली वन ऑफ द बिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। और समर टाइम है, समर सीजन में हम अगर ग्राउंड में निकल के देखें, तो क्लियरली वी कैन सी मैनी स्टार्स, गैलेक्सी। नाउ अबाउट द, नाउ वी विल लर्न अबाउट द स्टार्स। What are the stars? The heavenly body that shines by producing its own light is called a star। The heavenly body that shines, जिसमें चमक होती है उसको क्या बोलते हैं? जिसमें lights होती है उसको क्या बोलते हैं? Star। Stars take millions of years to form। और एक stars बनने में millions of years, बहुत ही समय लगती है। They begins their lives in a nebulous। शुरुआत उसकी कहाँ से होती है? नेबुलस। नेबुलस नाम दिया गया है, नेबुलस से शुरुआत होती है उसकी। विच आर क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। वो क्या है? नेबुलस है क्या? एक क्लाउड है गैस की और डस्ट की।
सून द नेबुला बिकम्स अ हॉट डेंस बॉल। जब ये फॉर्मेशन होती है गैस और डस्ट की, तुरंत ही वो क्या होता है, हॉट डेंस बॉल में फॉर्म होता है। बॉल हम सब समझते हैं जो खेलने वाली होती है, बॉल शेप में ये फॉर्म हो जाती है। एंड द सेंटर हीट्स अप, और उसकी जो बीच की भाग होती है वो हीट हो जाती है। दिस हॉट कोर बिकम्स अ स्टार गिविंग आउट ग्रेटर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। और जो हीट हो जाती है वो क्या होती है, एकदम हॉट एंड कोल्ड। इट इज नोटिस दैट द स्टार्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड ब्राइटनेस। ये हम नोटिस करते हैं, इट इज नोटिस दैट जो स्टार्स होते हैं सब अलग अलग साइज के होते हैं, उसकी ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा होती है, अलग अलग होती है सबकी। दीज आर लोकेटेड एट द वेरियस डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। और हमारे अर्थ यानी कि हमारे पृथ्वी से ये अलग अलग डायरेक्शन यानी कि कोई दूर कोई पास में लोकेटेड होती है। ऑल द स्टार्स दैट अपीयर इन द नाइट स्काई बिलोंग टू आवर गैलेक्सी द मिल्की वे। द जो सारी स्टार्स जो रात में गैदर होती है हमारे अर्थ से, उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। द सन इज वन ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी। सन क्या है, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं आवर गैलेक्सी के। द सन इज आवर नियरेस्ट स्टार, और सन जो है हमारे पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट स्टार्स में आते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4.24 लाइट ईयर्स अवे। ये नाम दे रखा है, इज द सेकेंड नियरेस्ट स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। ये क्या है, सेकेंड नियरेस्ट, दूसरी नंबर पे आते हैं इसको, नियरेस्ट स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। स्टार्स स्टार्ट टू फॉर्म इन द नेबुलस व्हेन अ मास ऑफ गैस एंड डस्ट बिगिन टू पुल इट ऑन इटसेल्फ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स से, जो अर्थ का फोर्स होता है ग्रेविटी, ग्रेविटी के फोर्स से जो नेबुलस मास ऑफ गैस, गैस और डस्ट, जैसे कि पहले भी बताया हमने, गैस और डस्ट से फॉर्मुलेशन होती है स्टार की, उसके फॉर्म से एक ग्रेविटी फोर्स होती है। द गैस हीट्स ऑफ एंड बिगिंस टू ग्लो। ये गैस हीट होती है और जब हीट होने के बाद क्या, वो चमकना, ग्लो करने जाते, चमकने लग जाती है। इट इज इन अ क्लियर नाइट स्काई वी कैन सी अबाउट 6,000 स्टार। क्लियर रात में यानी कि रात के समय में हम कितने देख सकते हैं, 6,000 स्टार्स ऑलमोस्ट देख पाते हैं। वेन सीन फ्रॉम द अर्थ सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई अपीयर टू बी अरेंज इन अ रिकॉग्निजेबल पैटर्न। जब हम अपनी पृथ्वी से स्टार्स को देखते हैं तो वो रिकॉग्निजेबल पैटर्न में दिखाई देती हैं। रिकॉग्निजेबल मतलब कि जो देखी हुई चीज़ होती है, जानी हुई चीज़, उसको बोलते हैं रिकॉग्निजेबल पैटर्न। तो पैटर्न में सम लुक लाइक एनिमल्स, कुछ एनिमल्स की तरह दिखती है। सम लुक लाइक पीपल, कुछ इंसान की तरह दिखती है। वाइल सम लुक लाइक ऑब्जेक्ट, और किसी ऑब्जेक्ट की तरह भी दिख सकती हैं। ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कि वो एक जगह जब गैदर होती है तो कुछ एक शेप ले लेती है, वो हम दूर से देखते हैं तो हमें वो शेप दिखाई देती है। दिस ब्राइट स्टार्स विच अपीयर्स टू मेक अ पैटर्न इन द स्काई आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। और ये पैटर्न को यानी कि ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। सिंस एंशियंट टाइम्स हंड्रेड ऑफ कॉन्स्टलेशन हैज बीन आइडेंटिफाई इन द स्काई ऑफ विच साइंटिस्ट एक्सेप्ट 88 नेम्स। नाउ हमारे पहले के टाइम में हंड्रेड ऑफ कॉन्स्टलेशन हैव बीन आइडेंटिफाई, बहुत सी सौ कॉन्स्टलेशन रिकॉग्नाइज होते, उनमें से 88 का नेम हम अभी जानते। टू ऑफ द मोर इजिली रिकॉग्नाइज कॉन्स्टलेशन आर, उनमें से दो का यहाँ पे नाम दे रखा है, वो कौन कौन से हैं, दे आर उर्सा मेजर एंड ओरियन। द टू स्टार्स एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर आर कॉल्ड पॉइंटर्स। दे ऑल्सो ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ। दे ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ, दैट मीन्स द टू इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन दैट इज उर्सा इज ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ साइड। ये हमेशा ही नॉर्थ साइड में पॉइंटेड रहती है। और द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थ